मॉर्निंग एवरीवन, मैं एम एस अली फ्रॉम सरण विहार एंड यू आर वॉचिंग मिरेकलोनी क्लासेस। आज मैं सलमान सिद्दीकी के कमेंट पर मैं ले आया हूँ फिर से एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट जो आपको कन्फ्यूज करने के लिए काफ़ी है। आपको अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जो अक्सर कन्फ्यूज करते हैं। आप तो जानते हो हैंग को, आपने हैंग का V2 और V3 देखा होगा। कभी हैंग का V2 V3 हैंग्ड हुआ करता है तो कभी हंग हुआ करता है। ठीक दूसरी तरफ BID बिड कि V3 कभी बिड हुआ करती है, V2 और V3 तो कभी बेड बिडन भी हुआ करती है। ऐसा क्यों होता है मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। ये कन्फ्यूजन आपकी हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आज दो वर्ड्स आपके लिए हैं और उसके बाद एक और वर्ड मैं ले आया हूँ जो कि आपको बताने वाला हूँ। तो आज के बाद इस तरीके की जो कन्फ्यूजन है शायद वो आपके साथ ना हो। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है हैंग। वैसे आप जानते हो कि हैंग का मतलब फांसी देना होता है और दूसरा इसका मतलब होता है लटकना या लटकाना। तो दोनों अर्थों के अकॉर्डिंग इनके जो V2 और V3 होते हैं ना वो बदल जाते हैं और आपको जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन रहती है, ये परेशानी रहती है कि सर हमें समझ में नहीं आता है कि कब क्या करें। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो जब कभी भी हैंग के बाद, यानी जब कभी भी हैंग का हिंदी अर्थ फांसी देना हो तो इसका V2 और V3 हैंग्ड होता है। यानी कहने का मतलब है ED का इस्तेमाल करते हैं, हैंग्ड फिर हैंग्ड। और जब कभी भी हैंग का हिंदी अर्थ लटकना या लटकाना हो तो इसकी V2 और V3 जो है वो ED लगकर नहीं बनती बल्कि HUNG यानी A के बदले में U कर देते हैं, फिर A के बदले में U कर दिया गया है। यानी इसका प्रोनंसिएशन हो जाएगा हंग। फिर से एक बार बता दूँ कि जब हैंग का हिंदी अर्थ फांसी देना हो तो आप इसका V2 और V3 हैंग्ड करोगे ED लगाकर, और जब हैंग का हिंदी अर्थ लटकना या लटकाना जैसा हो तो आप इसका V2 और V3 हंग करोगे, यानी हंग और फिर हंग। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, यानी दूसरे वाले ही समझ लो क्योंकि ये दोनों तो एक साथ पेयर में आ रहे हैं। ओके, बिड के भी दो मतलब हैं। बिड का पहला मतलब है नीलामी में बोली लगाना। तो अगर बिड का हिंदी अर्थ नीलामी में बोली लगाना हो तो इसका V2 और V3 नहीं बदलता है। यानी जैसा बिड फर्स्ट में है वैसा ही सेकंड और थर्ड में भी आएगा। इन तीनों में कोई बदलाव नहीं आएंगे जब नीलामी में बोली लगाना हो। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा 1,01,000, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, यानी किसी भी चीज़ की बोली लगाई जाती है, किसी भी घर का, किसी भी महल का या किसी भी वस्तु की जब बोली लगाई जाती है, उसे बिक्री की जाती है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी को कहते हैं नीलामी में बोली लगाना। तो जब बिड का मतलब ऐसा हो तो इसके V2 V3 नहीं बदलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, BID बिड। इसका मतलब आज्ञा देना होता है। देखो यहाँ भी बिड, यहाँ भी बिड। यहाँ पर बिड का मतलब नीलामी में बोली लगाना और यहाँ बिड का मतलब है आज्ञा देना। तो जब कभी भी बिड का मतलब आज्ञा देना हो तो इसका V2 बेड होता है और इसका V3 बिडन होता है। फिर से एक बार, जब कभी भी बिड का हिंदी अर्थ आज्ञा देना हो तो इसका V2 बेड और V3 बिडन हुआ करता है। अब इन दोनों को मैं एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा, उसके बाद फिर नीचे आऊँगा। ठीक, हैंग का मतलब जब फांसी देना हो तो इसका V2 और V3 हैंग्ड हुआ करता है। जब हैंग का हिंदी अर्थ लटकना या लटकाना हो तो इसका V2 V3 हंग हुआ करता है। जब बिड का मतलब नीलामी में बोली लगाना हो तो इसका V2 और V3 बिड ही हुआ करता है, यानी बिड ही हुआ करता है। जब बिड का हिंदी अर्थ आज्ञा देना हो तो इसका V2 बेड होता है और V3 बिडन होती है। अब हम बात करते हैं इस वर्ड की, रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। इसका V2 और V3 एक समान होता है, तो फिर मैंने इसको बताया क्यों, ये तो आप लोग जानते हो। लेकिन एक चीज़ शायद आपको पता नहीं हो, या हो भी सकता है कि जब इसे V2 या V3 बनाते हैं ना तो इसका प्रोनंसिएशन बदल जाता है, इसका साउंड, इसका उच्चारण बदल जाता है। आप देख रहे हो रीड, R E A D, स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया होगा लेकिन प्रोनंसिएशन में फ़र्क आ जाएगा। यहाँ हम इसे रेड बोलेंगे, रेड, और यहाँ भी हम इसे रेड बोलेंगे। जब कभी भी रीड का इस्तेमाल V2 के रूप में या V3 के रूप में करना हो, या अगर आप कर रहे हो तो उसे रीड मत बोलना, उसे रेड कहना, तब लोग समझेंगे कि आपने V2 की बात की है या V3 की बात की है। V2 की बात की है ये कैसे लोग समझेंगे, जब आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद रीड लिख देंगे, यानी रेड लिख देंगे। और V3 लोग कब समझेंगे, जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप V3 यानी रेड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हैव के बाद, हैज़ के बाद, हैड के बाद, विल हैव के बाद। तो
तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ एक और वर्ड जो कि मैं भूल गया था इसमें बताना, है ना, क्योंकि एक ही वर्ड बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं क्लियर कर देता। सो आप बस एक मिनट वेट करना, मैं थोड़ा सा इसको वाइप कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट आपको एक और पॉइंट बताता हूँ इसके तुरंत। जस्ट वन मिनट। जैसे कि एक और वर्ड है नंबर फोर में बियर, इसको बियर लोग बोलते हैं, कितने लोग बियर भी कहते हैं, लेकिन बियर कहना ही बेहतर है। जब बियर का मतलब सहना, बर्दाश्त करना, है ना, सहना बर्दाश्त करना या ढोना, ये सब के सब हिंदी अर्थ होते हैं किसके, बियर के। बाद में और भी कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। बियर भी सहना बर्दाश्त करना या ढोना, जब ऐसा हिंदी अर्थ हो तो बेयर का सेकंड फॉर्म यानी इसका V2 बोर होता है BORE और इसका V3 बॉर्न होता है BORNE। लेकिन अचंभित होने वाली बात यह है कि जब बेयर का हिंदी अर्थ जन्म देना हो, जब बेयर का हिंदी अर्थ जन्म देना हो तो इसका V2 तो बोर होगा ही, है ना, जैसा कि इसमें है, लेकिन V3 बॉर्न होगा, बोर्न नहीं, बॉर्न, यानी इसमें जो ई है ना वो इसमें हट जाएगा। और अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये कन्फ्यूजन होती है, मैं देखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा जन्म देने वाला बेयर है और कौन सा सहने या बर्दाश्त करने वाला है। फिर से एक बार, बेयर का मतलब जब सहना हो, बर्दाश्त करना हो या ढोना हो, तो इसका V2 बोर होता है BORE, और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो BORNE बोर्न, है ना, ओ की मात्रा बोर्न। और जब बेयर का मतलब जन्म देना हो ना तो V2 तो सेम है, बोर का बोर ही होगा, लेकिन V3 बॉर्न हो जाएगा। इसको मैं बॉर्न बोल रहा था क्योंकि ई की मात्रा थी और इसमें ई की मात्रा नहीं आएगी, इसलिए इसको बॉर्न कहेंगे, जैसे कि ही वॉज बॉर्न, है ना, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, ऐसा आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो जन्म देने वाले में V3 में अंत में ई नहीं आता और सहने बर्दाश्त करने वाले में एन के बाद ई आता है। तो ये थी कुछ ऐसे वर्ब्स जो हमें अक्सर कन्फ्यूज करती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं हो सकती हैं अगर इस वीडियो का आपने एंड तक देखा तो। अगर आपको एक बार में ये ठीक से क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको 2-3 बार देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे आपकी लाइफ में, यानी डे टू डे लाइफ में, आज के बाद अभी इसी वक्त से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा कि आपको पहले हो रही थी बियर में, यानी बेयर में, बिड में, रिड में, हैंग में, है ना, इन सभी वर्ड में जो भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, जैसे कि सलमान सिद्दीकी ने बताया था कि हाँ मुझे ऐसी वीडियो चाहिए, मुझे ऐसी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं आपके भी कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपके लिए भी मैं अगले बार कोई दूसरी वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय कहने से पहले, सॉरी, बाय कहने से पहले और हैव अ नाइस डे कहने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना, है ना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, बस आप देख लेना एंड उसके बाद ऑफलाइन हो जाना, बट अगर अच्छी लगे तो कम से कम 5 लोगों तक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, आप सबको मेरा बाय बाय, टाटा, जो भी आप समझ लो।